रायबरेली शहर के धरोहर कहे जाने वाला बड़ा कुआं और राजा बाल के किले का फाटक दोनों का सौंदर्यीकरण होगा। रायबरेली शहर के किले बाजार में अंग्रेजों के समय का बना बड़ा कुआं, जिस पर एक कहानी कही जाती है, इसका स्रोत समुद्र से जुड़ गया था और लगातार पानी निकलने लगा था, जिसे बड़े लोहे के तवे डलवा कर बंद कर दिया गया। यह तो एक कहानी प्रचलित है, इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, लेकिन शहर के अंदर के धरोहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रशासनिक अमला, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुधन सोनकर के नेतृत्व में मौके पर पहुंचे सभी अधिकारियों ने इस स्थान का निरीक्षण किया और साथ ही राजाबाल के किले का फाटक कहे जाने वाले जर्जर अवस्था में हो चुके उस गेट का भी निर्माण और मरम्मत करवाया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, अभी आप लोग निरीक्षण करने आए थे, ये बड़े कुएं का डीएम मैडम आई थी, आप आई थी, क्या था मामला, किस लिए? देखिए, डीएम साहब से कई बार मिले हम, और यहाँ जो रायबरेली की एक धरोहर है, ऐतिहासिक बड़ा कुआं के बारे में डीएम साहब को जानकारी भी दी और बताया भी। हमने कहा वो एक पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, तो इस पे शासन प्रशासन के लोग थोड़ा सा विचार किए और इसको देखने के लिए आए। आज मौके का मुआयना भी किया और इस इलाके का एक किला गेट है जो किले बाजार के गेट के नाम से चर्चित है, अंदरून किला के नाम से ये मोहल्ला जाना जाता है। बड़ा कुआं और ये किला बाजार गेट बहुत ऐतिहासिक चीज है रायबरेली की। अगर रायबरेली की कोई मशहूर चीज है तो वह है बड़ा कुआं। बड़ा कुआं को लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि बड़ा कुआं तो एकदम लुप्त होता जा रहा है। तो इसी का सौंदर्यीकरण और इसका विकास करने के लिए आज जिला अधिकारी महोदय आई थी हमारे साथ, हमारे ईओ साहब थे, एडीएम साहब थे, सब लोग थे और सभासद आसिफ जी भी थे यहाँ, तो उनके नेतृत्व में यहाँ पर सब देखा गया और इसका निरीक्षण किया गया। डीएम साहब ने कहा इसको किसी न किसी योजना में डलवा करके इसका जो है विकास करवाएंगे, सौंदर्यीकरण कराएंगे और इसको पर्यटक स्थल घोषित कराएंगे।